इम्प्लीमेंटिंग MaaS Add-on। इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि MaaS मास यानी कि मैसेज ऑटो सेंडर Add-on आप बिजी में कैसे यूज कर सकते हैं। इस Add-on को यूज करके आप WhatsApp मैसेजेस सेंड कर सकते हैं अपने invoices के डायरेक्टली फ्रॉम बिजी, यानी कि जैसे ही आपने कोई invoice सेव किया आप उसको SMS कर सकते हैं और जो आपने नंबर कन्फिगर किया होगा उस नंबर से WhatsApp मैसेज चला जाएगा पार्टी को, जो पार्टी का मोबाइल नंबर आपने स्पेसिफाई किया होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप मास Add-on को डाउनलोड करेंगे। इसके लिए एक लिंक प्रोवाइड करा गया है, आप ये लिंक जो है ब्राउजर में टाइप करेंगे एंड आप स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में देख सकते हैं कि ये Add-on जो है डाउनलोड हो रहा है। वंस ये Add-on जब डाउनलोड हो जाएगा आप इसे ओपन करेंगे, रन बटन पे क्लिक करेंगे इसे इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स रिकमेंडेड इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन इसे एनेबल करेंगे यदि आप चाहते हैं कि एक डेस्कटॉप आइकन क्रिएट हो जाए इस Add-on का। एंड ये जो Add-on है ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया। Add-on के इंस्टॉल होते ही ये स्क्रीन खुलेगी। अभी हम न्यू यूजर हैं तो पहले हम रजिस्टर करेंगे, यानी कि हम अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे रजिस्टर बटन क्लिक करके। यहाँ पे आप नेम बताएंगे, ईमेल आईडी बताएंगे, मोबाइल नंबर बताएंगे यानी कि इस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड होंगे एंड देन पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड यानी कि आप पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे इस अकाउंट के लिए एंड उसको कन्फर्म करने के लिए अगेन एक बार आप पासवर्ड टाइप करेंगे, क्रिएट बटन क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है आफ्टर इंस्टॉलेशन कि हमने Add-on को इंस्टॉल किया एंड एक अकाउंट जो है क्रिएट कर लिया रजिस्टर बटन यूज करके। देखिए स्क्रीन पे मैसेज भी आ गया कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एक बार इस एप्लीकेशन से क्विट जरूर करना है। क्विट जो आप करेंगे डायरेक्टली क्लोज बटन पे क्लिक ना करके आप यहाँ पे क्विट बटन क्लिक करेंगे जो कि Add-on में आता है। वंस हमने क्विट कर दिया, अब हम दोबारा इस एप्लीकेशन को रन करते हैं जो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है, मास्क का आइकन आ रहा है उसे हमने क्लिक किया। साइन इन के लिए कहा, हमने वही क्रेडेंशियल्स बताए यानी कि नेम बताया, पासवर्ड बताया जो अभी हमने अकाउंट क्रिएट किया था उसके लिए। ध्यान रहे ये सारी ही इन्फॉर्मेशन केस सेंसिटिव है, आपने एग्जैक्टली जिस नेम से क्रिएट किया था कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स जैसे यूज किए थे वैसे ही आपको नेम एंड पासवर्ड यहाँ एंटर करना है एंड सक्सेसफुली लॉगिन करने पे यानी कि जब वैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपने बताया तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इस स्क्रीन में स्टेप्स बताए गए हैं कि किस तरीके से आप व्हाट्सएप को कन्फिगर कर सकते हैं कंप्यूटर पे यूज करने के लिए। इसके लिए आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन करेंगे, वहां पे सेटिंग्स में व्हाट्सएप वेब पे आप जाएंगे एंड व्हाट्सएप वेब पे जब आप क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल स्क्रीन को कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ पॉइंट करेंगे तो आपका मोबाइल जो है ये जो QR कोड स्क्रीन पे आ रहा है इसे स्कैन कर लेगा। जैसे ही ये QR कोड मोबाइल पे स्कैन हो जाएगा यानी कि सबसे पहले आपने WhatsApp पे WhatsApp वेब ऑप्शन में गए उसकी सेटिंग्स में एंड आपने मोबाइल स्क्रीन को कंप्यूटर स्क्रीन पे पॉइंट किया, QR कोड जो है मोबाइल ने स्कैन करा, स्कैन करने के इमीडिएटली बाद ही आपका जो WhatsApp है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको नजर आने लग जाएगा। आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं आपका WhatsApp अकाउंट यहाँ पे नजर आ रहा है, जो भी आपकी चैट्स हैं वो आपको यहाँ नजर आ रही है। अब आप जो है कंप्यूटर के थ्रू भी WhatsApp यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है कि किस तरीके से हमने फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट किया है। अब हम बिजी में आते हैं कि बिजी में हम कैसे कन्फिगर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बिजी एप्लीकेशन को रन करते हैं, कंपनी आप ओपन करेंगे, जो भी आपकी कंपनी है आपने कंपनी सिलेक्ट करी, उसका यूजर नेम पासवर्ड बताया तो कंपनी में हमने लॉग इन किया। यहाँ पे सबसे पहले है कि हमें SMS API कन्फिगर करनी है, उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन SMS API कन्फिगरेशन ऑप्शन में जाएंगे एंड सबसे पहले एक फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। हमने एड न्यू फॉर्मेट बटन को क्लिक किया, फॉर्मेट का नेम बताया, फॉर्मेट को सिलेक्ट किया। यहाँ पे अब आप स्क्रीन पे ऑल्ट कंट्रोल वी ये शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल वी, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, बिजी सर्वर एंड सर्विस प्रोवाइडर सर्वर। यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइडर सर्वर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड अपलोड PDF ऑप्शन को भी आप एनेबल करेंगे। ये ऑप्शन जो है यदि आपके पास वैलिड बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन है तो ही वर्क करेगी। तो ये दोनों ऑप्शन को हमने एनेबल किया। उसके बाद SMS API आप बताएंगे, SMS API ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये आपको प्रोवाइड करी गई है, ये API आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद आप यूजर नेम पासवर्ड सेंडर्स ID मोबाइल एंड मैसेज इसके लिए पैरामीटर नेम एंड पैरामीटर वैल्यू बताएंगे। तो पैरामीटर नेम जैसे हमने स्क्रीन पे दिए एज इट इज आपको टाइप करने हैं, ये सारी ही इन्फॉर्मेशन केस सेंसिटिव है। एंड यूजर नेम और पासवर्ड के लिए पैरामीटर वैल्यू आप अपना अकाउंट नेम एंड पासवर्ड जो आपने स्पेसिफाई किया था जब हमने अकाउंट क्रिएट किया ये Add-on यूज करके वो बताएंगे। तो यूजर नेम जो हमने नेम बताया, पासवर्ड जो हमने पासवर्ड बताया,
रिसीवर नेम, रिसीवर मोबाइल नंबर, मैसेज के लिए हमने वहां मैसेज वर्ड यूज किया है, तो एग्जैक्टली यही वैल्यूज आप यूज करके एपीआई को कॉन्फ़िगर करेंगे एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस डिटेल को सेव करने के लिए। इसके बाद अब आप रेडी हैं अपने व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड करने के लिए बिजी से। अब हम एक इनवॉइस एंटर करते हैं। यदि आपकी ऑलरेडी कोई इनवॉइसेस एंटर्ड हैं तो आप मॉडिफाई मोड में जाके उनको सेंड कर सकते हैं, या न्यू इनवॉइस जब आप सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे यदि आपने SMS के लिए से कन्फिगर किया हुआ है तो SMS का ऑप्शन ये पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बिजी ने पूछा सेंड SMS, आप SMS सेंड करना चाहते हैं, हमने यस बटन यहाँ पे क्लिक किया SMS सेंड करने के लिए। फॉर्मेट बिजी ने पूछा आप अपने हिसाब से फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में आपको SMS भेजना है। एंड ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है, यहाँ पे मैसेज आपको नजर आ रहा है कि ये मैसेज एज व्हाट्सएप मैसेज आएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे, यदि आपने अकाउंट मास्टर में ही मोबाइल नंबर स्पेसिफाई किया होता तो बाय डिफॉल्ट वही पिक होके आ रहा होता, आप चाहे तो यहाँ पे कोई और मोबाइल नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेंड बटन प्रेस करेंगे मैसेज को सेंड करने के लिए, तो बिजी ने पूछा कि कंपनी का शॉर्ट नेम स्पेसिफाइड नहीं है, आपको स्पेसिफाई करना है। हमने यहाँ पे कंपनी का शॉर्ट नेम बताया एंड ये देखिए SMS सेंड सक्सेसफुली, यानी कि ये जो मैसेज है एज व्हाट्सएप मैसेज पार्टी को चला गया जो मोबाइल नंबर आपने स्पेसिफाई किया था उस पे। एंड किस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप सेंड हुआ है, जो मोबाइल नंबर हमने कनेक्ट किया था, पहले हमने कॉन्फ़िगर किया था अकाउंट क्रिएट करते टाइम। तो ये सब स्टेप्स इन्वॉल्व थे मास एड ऑन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड कैसे आप व्हाट्सएप मैसेज बिजी से सेंड कर सकते हैं यूजिंग मास एड ऑन। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली मास एड ऑन इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद।